हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू फूडी नेशन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पकौड़े वाली कढ़ी की रेसिपी। तो ये कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और इस कढ़ी को आप रोटी के साथ या चावल के साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं आधा कप बेसन। तो इससे पहले हम पकौड़े का बैटर तैयार कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच नमक। तो पहले इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इनका बैटर तैयार कर लेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि इसके जितने भी लम्स हैं वो निकल जाएं। तो आप इसे 5-10 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करें ताकि ये लम्स फ्री हो जाए और एकदम स्मूथ बैटर बने। तो यहाँ पर मैंने इसमें लगभग आधा कप पानी यूज़ करा था। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, एकदम स्मूथ बैटर हमारा हो गया है। और अब 10-15 मिनट के लिए इसे ढककर रख देंगे। तो अब हम एक जार ले लेंगे और इसमें डाल देंगे लगभग 2 कप दही। तो आप चाहें तो इसमें लस्सी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे आधा कप बेसन। अब इसमें डाल देंगे 3-4 कटी हुई हरी मिर्च और 2 लाल मिर्च। और अब इसमें आधा कप पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो अब हम पकौड़े के बैटर को एक दो बार अच्छे से मिक्स करके इसके पकौड़े बना लेंगे। अब तो देखिए फ्रेंड्स, तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, आपको इसमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब हम चम्मच की मदद से बेसन का बैटर इसमें डालते जाएंगे। आप चाहे तो हाथ से भी पकौड़े बना सकते हैं। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। अब इसे अलट पलट करके अच्छे से सेक लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे पकौड़े अच्छे से सिक गए हैं, हमें इन्हें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ऐसे ही हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे, इसे भी अलट पलट करके सेक लेंगे। तो ये बैच भी अच्छे से फ्राई हो गया है, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। तो अब हम कढ़ी बना लेंगे। इसके लिए मैं इसी कढ़ाई में ले रही हूँ 1 चम्मच ऑयल। तेल गरम हो गया है, अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। तो जीरा अब चटक गया है, अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच मेथी दाना। तो अब इसमें डाल देंगे 3 कटी हुई हरी मिर्च। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो नमक इसमें लास्ट में डालेंगे। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और सभी मसालों को अच्छे से पकने देंगे। तो यहाँ पर सभी मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे लस्सी। तो थोड़ी थोड़ी लस्सी ऐड करके हम इसे लगातार चलाते जाएंगे। अब इसमें डाल देंगे आधा कप पानी और अब लो फ्लेम पर इसे लगातार चलाते जाएंगे। अगर आपकी कढ़ी फट जाती है तो उसका रीज़न यही है कि आप इसे बीच में छोड़ देते हैं। जब तक बॉईल ना आए इसे हमें लगातार चलाते जाना है। तो आप इसे लगातार चलाते हुए जब तक पकाएं जब तक कि इसमें अच्छा सा उबाल ना आ जाए। और हमें नमक भी इसमें जब ही डालना है जब इसमें बॉईल आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, कढ़ी में कितना अच्छा बॉईल आ गया है और इसमें बहुत ही अच्छा कलर भी आ रहा है। तो यहाँ पर मैं कढ़ी को थोड़ी देर के लिए और पका रही हूँ। अगर आपको कढ़ी पतली पसंद है तो आप फ्लेम को अभी ऑफ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कढ़ी बनकर तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक। और अब जो पकौड़े हमने तैयार किए थे सारे पकौड़े इसमें डाल देंगे। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कढ़ी तो हमारी बनकर तैयार है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही अच्छी कढ़ी बनी है। तब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बाउल में कढ़ी को ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक तड़का पैन ले लिया है। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। अब इसमें डाल देंगे आधी चम्मच हींग। हींग से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है
अब इसमें डाल देंगे 2 साबुत लाल मिर्च। तो अब लास्ट में हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो तड़का भी बनकर तैयार है और अब हम कढ़ी के ऊपर इस तड़के को डाल देंगे। और अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी पकौड़े वाली कढ़ी बनकर तैयार है और कढ़ी बहुत ही क्रीमी और पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो आप इस कढ़ी को बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।